बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपना नया एक चैप्टर स्टार्ट करने लगे हैं, दैट इज़ सम मेजर इकोसिस्टम्स। तो इस चैप्टर के अंदर हम कुछ इकोसिस्टम्स को डिस्कस करेंगे, लाइक एक्वाटिक इकोसिस्टम और टेरिस्ट्रियल इकोसिस्टम। और जो टेरिस्ट्रियल इकोसिस्टम है उसमें हम ये देखेंगे कि पाकिस्तान में कौन कौन से मेजर इकोसिस्टम्स मौजूद हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे टेम्परेट डिसीडियस फॉरेस्ट को, कॉनिफेरस अल्पाइन एंड बोरियल फॉरेस्ट, ग्रासलैंड इकोसिस्टम, डेजर्ट इकोसिस्टम और टंड्रा इकोसिस्टम को जो है वो हम डिस्कस करेंगे। लेकिन आज हम जो इकोसिस्टम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ एक्वाटिक इकोसिस्टम। लेकिन एक्वाटिक इकोसिस्टम से पहले आप वेदर और क्लाइमेट में डिफरेंस देखेंगे। दोनों में जो डिफरेंस है, बेसिकली दोनों की दोनों इन्वायरमेंटल कंडीशंस हैं। इन्वायरमेंटल कंडीशन का मतलब है कि टेम्परेचर कैसा है, ह्यूमिडिटी कैसी है, प्रेसिपिटेशन कैसी है, क्लाउड कवर कैसा है, ये तमाम की तमाम चीज़ें दोनों में आ जाती है, वेदर में भी आती हैं, क्लाइमेट में भी आती हैं। लेकिन इन दोनों के अंदर जो बेसिक डिफरेंस है दैट इज़ द डिफरेंस ऑफ टाइम पीरियड। अगर ये इन्वायरमेंटल कंडीशन यानी टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, क्लाउड कवर, विंड, प्रेसिपिटेशन शॉर्ट टाइम के लिए है, शॉर्ट टाइम का मतलब है चंद घंटों के लिए, चंद दिनों के लिए है या चंद मिनट्स के लिए, दैट इज़ नॉन एज द वेदर। अगर ये लॉन्ग टर्म है, ईयर टू ईयर ये कंडीशन सेम है, सेंचुरी टू सेंचुरी ये कंडीशन सेम है, दैट इज़ नॉन एज द क्लाइमेट। आमतौर पे क्लाइमेट के लिए जो कम अज़ कम टाइम पीरियड है वो 10 साल का लिया जाता है। अब मैं आपको एग्जाम्पलीफाई करती हूँ कि किस तरह से आप इसको समझेंगे। वेदर जो है किसी भी वक्त चेंज हो सकता है। अभी बारिश हो रही है, एकदम से बारिश ख़त्म हो जाए, धूप निकल आए, वेदर चेंज हो गया। यानी पहले प्रेसिपिटेट ज़्यादा थे और अब जो है वो टेम्परेचर बढ़ गया है। पहले ह्यूमिडिटी ज़्यादा थी, अब ह्यूमिडिटी कम हो गई है, दैट इज़ वेदर। विद इन मिनट्स जो है वेदर चेंज हो सकता है। क्लाइमेट विद इन मिनट्स चेंज नहीं होता, विद इन ईयर भी, सिंगल ईयर में भी चेंज नहीं होता। अब आप इसको इस तरह समझ सकते हैं कि कई सालों से, कई हज़ार सालों से आप कह सकते हैं कि जो हमारे पास जून, जुलाई, अगस्त का महीना आता है उसमें गर्मी आ रही है। सदियों से ऐसा ही मौसम चलता जा रहा है, इसमें गर्मियाँ होती हैं, फिर उसके बाद मौसम जो है चेंज होने लग जाता है, दैट इज़ नॉन एज द क्लाइमेट। हम इकोसिस्टम स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा इकोसिस्टम है वो है एक्वाटिक और हाइड्रोस्फेरिक इकोसिस्टम। एक्वाटिक इकोसिस्टम में हमारे पास वाटर बॉडीज़ आ जाती हैं। वाटर बॉडीज़ के अंदर जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं, जो नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं, उनके दरमियान एक्सचेंज ऑफ मटीरियल कैसे हो रहा है, उसमें एनर्जी का ट्रांसफ़र कैसे हो रहा है, इन तमाम चीज़ों को हम पढ़ेंगे एक्वाटिक इकोसिस्टम में। अगर हम एक्वाटिक इकोसिस्टम को स्टडी करेंगे तो उसमें हम दो मेजर चीज़ों को पढ़ेंगे। एक आपके पास आ जाते हैं सॉल्ट वाटर ओशन और एक आपके पास आ जाता है फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। सॉल्ट वाटर ओशन या सी जो है वो 71% है हमारी ज़मीन के ऊपर, और जो फ्रेश वाटर है दैट इज़ ओनली 1%। नाउ हेयर आर सम कॉमन फीचर्स विच आर अबाउट द एक्वाटिक इकोसिस्टम, जिनमें हमारे पास 5 फीचर्स हैं। टेम्परेचर, एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, न्यूट्रिएंट्स, अबंडेंट वाटर विद अप्रोप्रिएट टेम्परेचर, प्रोडक्टिविटी ऑफ एक्वाटिक इकोसिस्टम। सबसे पहले हम देखते हैं टेम्परेचर क्या है। वाटर चेंज इज टेम्परेचर स्लोअर देन एयर। पानी के अंदर ये एबिलिटी है कि उसका टेम्परेचर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता चेंज होता है हवा की निस्बत। सो टेम्परेचर इन एक्वाटिक इकोसिस्टम इज़ मोर मॉडरेट। तो क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता चेंज होता है तो इस नॉर्मली हमें मॉडरेट टेम्परेचर मिलता है एक्वाटिक इकोसिस्टम का। एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, ऑल दो वाटर में अपेयर क्वाइट ट्रांसपेरेंट, इट एब्जॉर्ब अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ द लाइट एनर्जी दैट सस्टेन द लाइफ। तो जो है हमारे पास पानी जो है क्योंकि बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है तो ये लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है, ताकि वाटर बॉडी के अंदर जो ज़िंदगी मौजूद है, एनिमल्स, प्लांट्स जो मौजूद हैं, उनकी लाइफ को सस्टेन किया जा सके। इवन इन क्लियरेस्ट वाटर द इंटेंसिटी ऑफ लाइट डिक्रीज रैपिडली विद डेप्थ, सो द डेप्थ ऑफ द 600 feet और मोर अ लिटल लाइट इज़ लेफ्ट टू पावर द फोटोसिंथेसिस। बेशक पानी ट्रांसपेरेंट है लेकिन जो लाइट की इंटेंसिटी है, उसकी जो एब्जॉर्प्शन है, वो पानी की गहराई में जाते जाते कम होना शुरू हो जाती है। इवन कि वो कहते हैं बिल्कुल अगर वाटर क्लियर भी है तो तकरीबन 600 फीट तक जाने के बाद या उससे नीचे जाने के बाद लाइट की जो पेनिट्रेशन है वो बहुत स्लो डाउन हो जाती है। इतनी स्लो डाउन हो जाती है कि आप कह सकते हैं कि वहाँ पर प्लांट्स के लिए फोटोसिंथेसिस को कैरी करना जो है वो काफ़ी मुश्किल हो जाता है। न्यूट्रिएंट्स कैसे आपको मिलते हैं एक्वाटिक इकोसिस्टम में? द न्यूट्रिएंट्स इन एक्वाटिक इकोसिस्टम टेंड टू बी कंसंट्रेटेड नियर द बॉटम सेडिमेंट सपोर्टिंग लाइफ। तो आमतौर पर हमें न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो हमें बॉटम में मिलते हैं, वेयर लाइट इवन ऑफन कैन नॉट सपोर्ट द फोटोसेंसिस। यानी इस जगह पर लाइट मौजूद नहीं होती है जो फोटोसेंसिस को कैरी करवा सकें, तो फिर आमतौर पर वहाँ पर जो प्लांट आपको मिलते हैं वो सेडिमेंट्स के अंदर से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करके अपने जो है वो मेटाबॉलिज्म को कैरी कर रहे होते हैं। नेक्स्ट फीचर इज़ अबंडेंट वाटर विद अप्रोप्रिएट टेम्परेचर।
वाटर इज़ एन एसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर लाइफ, इट इज़ अवेलेबल अबंडेंटली इन एक्वाटिक सिस्टम टू सपोर्ट द लाइफ। जाहिर है एक्वाटिक इको सिस्टम है तो वहाँ पर पानी की किसी भी किस्म की कोई कमी नहीं है। द मेजर फैक्टर्स दैट डिटरमिन द क्वांटिटी ऑफ एंड टाइप ऑफ लाइफ इन एक्वाटिक सिस्टम आर एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स। तो दो चीज़ें हैं जो एक्वाटिक इको सिस्टम में ज़िंदगी को जो है वो प्रेफर करेंगी, एनर्जी कैसी है और एनर्जी का सोर्स क्या है और उसमें न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं। अप्रोप्रिएट टेम्परेचर इज प्रेजेंट इन एक्वाटिक इको सिस्टम टू कैरी आउट द मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। प्रोडक्टिविटी ऑफ इकोसिस्टम, प्रोडक्टिविटी को आप कैसे डिटरमिन कर सकते हैं? प्रोडक्टिविटी इज डिटरमाइंड बाय द कंजप्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑफ ऑक्सीजन इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। यानी कोई भी प्लांट का कितनी कार्बन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल कर रहा है और कितनी ऑक्सीजन को रिलीज कर रहे हैं, इसको जब आप स्टडी करते हो दैट इज़ नॉन एज द प्रोडक्टिविटी। तो बेसिकली ये फोटोसिंथेसिस के नतीजे में आ रही है। तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस की बुनियाद के ऊपर हम प्रोडक्टिविटी के बारे में जो है वो बता सकते हैं। द प्रोडक्टिविटी ऑफ एक्वाटिक इकोसिस्टम इज बेसिकली डिटरमाइंड बाय द लाइट एंड न्यूट्रिएंट्स, वो पीछे हमने बात की। लाइट इंटेंसिटी एंड क्वालिटी वेरीज विद द वाटर डेप्थ, जैसे जैसे गहराई होती जाती है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट जो है वो कम होना शुरू हो जाती है। सो द प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑल्सो वेरीज विद लाइट। द अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर्म ऑल्सो चेंज विद सीजन। तो किस किस्म के अमाउंट्स हैं, किस किस्म के न्यूट्रिएंट्स होंगे, सीजन पे डिपेंड कर रहा है। प्रोडक्टिविटी ऑल्सो वेरीज फ्रॉम जोन टू जोन। एक्वाटिक इन्वायरमेंट कैन ईजिली क्लासीफाइड टू फ्रेश वाटर एंड मैरीन इकोसिस्टम। तो हम जिस चीज़ को डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, फ्रेश वाटर लेक्स को हम डिस्कस करेंगे। तो फ्रेश वाटर लेक वेरी ट्रिमेंसली इन साइज, डेप्थ एंड न्यूट्रिएंट्स कंटेंट। हर लेक अपना साइज़ है, अपनी डेप्थ है, अपने न्यूट्रिएंट्स हैं, इंक्लूडिंग डिस्टिंक्ट लाइफ जोन। इसके अलावा यहाँ पर हमें कुछ लाइफ जोन भी मिलती हैं और कुछ हमें टेम्परेचर स्ट्रेटिफिकेशन मिलती है। यानी आपको अपर रीजन पे डिफरेंट टेम्परेचर मिलेगा, उससे नीचे आपको डिफरेंट टेम्परेचर मिलेगा। अब हम लाइफ जोन्स के बारे में पढ़ेंगे कि आपको एक्वाटिक इकोसिस्टम में कौन कौन सी लाइफ जोन्स मिलती हैं। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइफ इन लेक्स डिपेंड्स ऑन एक्सेस टू लाइट एंड न्यूट्रिएंट्स एंड प्लेस फॉर अटैचमेंट। तीन चीज़ें हैं जिस पे जो है वो लाइफ डिपेंड कर रही है, उसमें लाइट कितनी पेनिट्रेट करके जा रही है, उसमें न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से मौजूद हैं, और जहाँ पर जो प्लांट्स या एनिमल्स मौजूद हैं क्या उनके पास कोई अटैचमेंट साइट है या नहीं है। तो हम लेक इकोसिस्टम की जो लाइफ जोन्स हैं उसको डिफरेंट जोन्स में डिवाइड करते हैं। उनमें एक हमारे पास आती है लिटोरल जोन, एक हमारे पास आती है लैमिनेटिक जोन, एक हमारे पास आती है प्रोफंडल जोन। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल दीज जोन्स। सबसे पहले हम देखते हैं लिटोरल जोन विच इज़ नियर द शोर, साहिल के बिल्कुल किनारे किनारे पर। जब रिवर का जो बैंक है, लेक का जो बैंक है, उसके बिल्कुल किनारे किनारे पर जो जोन मौजूद है दैट इज़ नॉन एज द लिटोरल जोन। इन दिस जोन द वाटर इज शैलो, ऑब्वियस बात है क्योंकि किनारे पर है तो पानी शैलो होगा। एंड प्लांट्स फाइंड अबंडेंट लाइट एनकरेज एंड एक्वाटिक न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द बॉटम सेडिमेंट। तो प्लांट्स जो है उनको लाइट भी बहुत ज़्यादा मिल रही है, ये आप कह सकते हैं। ये देखिए लिटोरल जोन है, प्लांट्स बाहर की तरफ निकले हुए हैं, उनको सनलाइट भी प्रॉपर मिल रही है, इनके पास रॉक सेडिमेंट्स भी मौजूद हैं। प्लांट इन लिटोरल जोन कम्युनिटीज आर द मोस्ट डाइवर्स, वाटर लिलीज एंड एंटायरली सबमर्ज वेस्कुलर प्लांट्स एंड अल्गल फ्लॉरिश एट द डीपेस्ट रीजन ऑफ द लिटोरल जोन। तो यहाँ पर हमें लाइफ कैसी मिलती है, यहाँ पर आपको वाटर लिलीज मिलती हैं, यहाँ पर आपको सबमर्ज प्लांट्स मिलते हैं, और हमें कुछ जो है वो एल्जी मिलती हैं। द प्लांट ऑफ दिस जोन ट्रैप सेडिमेंट्स कैरिड बाई स्ट्रीम इंक्रीजिंग द न्यूट्रिएंट्स कंटेंट इन दिस रीजन। देर आर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स लिविंग अमंग विद प्लांट वाटर प्लांट्स, दीज आर कॉल्ड द प्लांकटन्स। छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म मौजूद हैं, उनको हम प्लांकटन्स कहते हैं। प्लांकटन्स हमारे पास दो तरह के हैं, दे मे बी फाइटो प्लांकटन एंड दे मे बी जू प्लांकटन। फाइटो प्लांकटन जो है वो एक ग्रीक वर्ड है ड्रिफ्टिंग प्लांट्स, यानी फाइटो प्लांकटन्स जो हैं वो फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट हैं, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया और फोटोसिंथेटिक एल्जी में आ जाती हैं। जो जू प्लांकटन्स हैं दे आर एनिमल लाइक, और उनमें हमारे पास जो है क्रस्टेशियंस आ जाते हैं। द ग्रेटेस्ट डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल इन द लेक इज ऑल्सो फाउंड इन दिस जोन। लिटोरल इन्वर्टिब्रेट्स एनिमल इंक्लूड स्मॉल क्रस्टेशियंस, इंसेक्ट्स, लार्वा, स्नेल, फ्लैटवर्म्स, हाइड्रा, ये हमें मिलते हैं। और जो वर्टिब्रेट्स हैं उसमें आपको फ्रॉग, एक्वाटिक स्नेक और टर्टल्स मिल जाते हैं। एज द वाटर इंक्रीज इन डेप्थ फार्दर फ्रॉम द शोर, प्लांट्स आर अनएबल टू एंकर टू द बॉटम एंड स्टिल कलेक्ट इनफ लाइट फॉर फोटोसिंथेसिस। अब जैसे जैसे दूर होते जाते हैं ना, प्लांट्स की जो रूट्स हैं वो सेडिमेंट तक पहुँचना भी कम हो जाती है, या उनकी जो कोशिश है सेडिमेंट्स तक पहुँचने की वो कम होना शुरू हो जाती है।
तो यहाँ पर हमें जो है वो कहती हैं कि एंकरेज कम हो जाता है लेकिन लाइट उनके पास पहुँच रही है। द ओपन वाटर एरिया इज़ डिवाइड इन टू द, ये जो हमारे पास नेक्स्ट पार्ट आ जाता है उसको हम कहते हैं ओपन वाटर एरिया, यानी एक एक पार्ट तो आ गया नियर द शोर, फिर जैसे हम आगे की तरफ जाते हैं हमारे पास ओपन वाटर एरिया आ जाता है, उसको हम दो में डिवाइड करते होते हैं। एक है लाइमनाइटिक जोन, और जो बिल्कुल नीचे आ जाती है बिल्कुल बेस में आ जाती है उसको हम कहते होते हैं प्रोफंडल जोन। तो दो तरह की जोन जो हैं वो आ गई। नाउ वी हैव लाइमनाइटिक जोन। लैमिनेटिक जोन को आप कहते हैं ओपन वाटर एरिया अप टू द लाइट पेनिट्रेशन, यानी ऐसा एरिया जहाँ तक लाइट पेनिट्रेट हो सकती है, दैट इज़ नोन एज द लैमिनेटिक जोन। इनफ लाइट पेनिट्रेट टू सपोर्ट द फोटोसिंथेसिस इन द जोन। हेयर फाइटो प्लांकटन्स इंक्लूड साइनोबैक्टीरिया विच आर ऑल्सो नोन एज द ब्लू ग्रीन एल्जी विच सर्व एज प्रोड्यूसर्स। दीज आर ईटन बाय प्रोटोजवा, यानी साइनोबैक्टीरिया को प्रोटोजवा खाते हैं और कुछ स्मॉल क्रस्टेशियंस खाते हैं विच इन टर्न आर कंज्यूम्ड बाय द फिशेज, जिनको फिशेज खा लेती हैं। यानी यहाँ पर आपको एक प्रॉपर जो है फूड चेन मिलती है। फिर जैसे जैसे हम ऐसे एरिया में जाते हैं जहाँ पर लाइट की पेनिट्रेशन ख़त्म हो जाती है, दैट जोन इज़ नोन एज द प्रोफंडल जोन। तो प्रोफंडल जोन क्या है? ओपन बट डीप वाटर विदाउट द लाइट पेनिट्रेशन। लाइट इज़ इनसफिशियंट टू सपोर्ट द फोटोसिंथेसिस जोन, क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हैं लाइट पहुँच नहीं रही, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस जो है वो बिल्कुल भी नहीं हो रही है। द ऑर्गेनिज्म ऑफ दिस जोन आर मेनली नरिश्ड बाई डेट्रेटस दैट फॉल फ्राम द लिटोरल एंड लैमिनेटिक जोन। तो यहाँ पर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म रहती हैं डेट्रेटस को खाती हैं, जो ऊपर से आ रहे हैं लिटोरल जोन से आ रहे हैं, लैमिनेटिक जोन से जो है वो मर कर आ रहे हैं। डिकम्पोजर्स एंड डेट्रेट्स फीडर सच एज स्नेल्स एंड सर्टन इंसेक्ट लार्वा बैक्टीरिया फंजाई एंड फिशेज इनहिबिटेड। तो यहाँ पर आपको बड़े साइज़ के एनिमल्स मिलते हैं, जिसमें छोटे साइज़ के भी हैं, स्नेल्स और इंसेक्ट्स भी हैं, बैक्टीरिया मिलते हैं, फंजाई मिलते हैं, फिशेज भी मिलती हैं। फिश जो है वो एक बड़े वर्टिब्रेट्स के अंदर आ जाती है। नाउ वी हैव इंटरवेंशन ऑफ मैन इन एक्वाटिक सिस्टम। हमने क्या इन्फ्लुएंस किया हुआ है, हमसे जो है वो क्या क्या नुकसान जो हैं वो ऐसे इकोसिस्टम के ऊपर आ रहे हैं। तो उनमें एक आपके पास आता है यूट्रोफिकेशन, जिसको आपने बार बार पढ़ा है, बहुत सारी जगहों के अंदर पढ़ा है। सेकेंड जो है इफेक्ट जिसको हम स्टडी करेंगे, स्कम ऑन लेक फर सरफेस एंड लैक ऑफ ऑक्सीजन। एंड थर्ड इज़ एसिडिफिकेशन ऑफ लेक्स, जिसको हम पढ़ते हैं जी एसिड ड्रेन की वजह से हो जाती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं यूट्रोफिकेशन का। यूट्रोफिकेशन क्या है? न्यूट्रिएंट्स अगर किसी भी वाटर बॉडी में बहुत ज़्यादा हो जाएं, जैसे सल्फर के न्यूट्रिएंट्स, फॉस्फोरस के न्यूट्रिएंट्स, तो वहाँ पर एल्जी ग्रो करना शुरू कर देती है, जिसको हम यूट्रोफिकेशन का नाम देती है। ह्यूमन एक्टिविटीज़ मे ग्रेटली एक्सेलरेट द प्रोसेस ऑफ यूट्रोफिकेशन, इनरिचमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स और एक्वाटिक न्यूट्रिएंट्स, बिकॉज न्यूट्रिएंट्स आर कैरिड इनटू लेक्स फ्रॉम फॉर्म फीड लॉट्स एंड सेवेज। तो ये न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो सेवेज से आ रहे हैं, हमारे फॉर्म्स वगैरह से आ रहे हैं, खेतों से आ रहे हैं। इवन इफ सॉलिड वेस्ट आर रिमूव्ड, वाटर डिस्चार्ज फ्रॉम सेवेज ट्रीटमेंट प्लांट इज ऑफन रिच इन फॉस्फेट एंड नाइट्रेट्स डिजॉल्व फ्रॉम द वेस्ट एंड डिटर्जेंट्स एक्सेसिवली, और इन रिच वाटर ऑल्सो वॉशिज ऑफ फर्टिलाइजर्स फ्रॉम फील्ड वेयर द मैन्योर थाउजेंड्स ऑफ कैटल इज एक्यूमुलेटेड। तो एक तो सेवेज से आ गया गंदा पानी, ये कंडीशन है। अगर हम सॉलिड वेस्ट से पानी को निकाल भी देते वैसे फिर भी उसके अंदर फॉस्फेट नाइट्रेट्स चले जाते हैं। दूसरी जो कंडीशन है वो ये है कि जब बारिश होती है तो बारिश के पानी के साथ फर्टिलाइजर्स बहकर आ जाते हैं, यानी जो खेतों में मौजूद होती हैं, तो वो भी जो है वो उसको चेंज कर रहे हैं, केमिकल कंपोजिशन को चेंज कर रहे हैं। द वाटर देयरफॉर बिकम्स हाईली इनरिच, तो इससे जो पानी बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स वाला हो जाता है। दीज एडिड न्यूट्रिएंट्स सपोर्ट एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ फाइटोप्लांकटन्स, तो इससे क्या होता है फाइटोप्लांकटन्स की ग्रोथ जो है वो बढ़ जाती है। अच्छा, लाइक प्रोड्यूसर्स सॉरी स्कम ऑन लेक सरफेस एंड लैक ऑफ ऑक्सीजन, तो सरफेस के ऊपर स्कम सा बन जाता है, जिसकी वजह से लाइट पेनिट्रेट करके नीचे नहीं जा सकती है, तो प्लांट जो है वो फोटोसेंसिस करना कम कर देते हैं, जिसकी वजह से प्लांट्स की डेथ हो जाती है। जब प्लांट्स की डेथ हो जाती है तो फिर बैक्टीरिया उनको डिकम्पोज करते हैं, ड्यूरिंग द डिकम्पोजिशन वो वाटर बॉडी की ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं, अल्टीमेटली ऑक्सीजन की जो है वो कमी होना शुरू हो जाती है। प्रोड्यूसर्स लाइक ब्लू ग्रीन एल्जी फॉर्म अ स्कम ऑन द लेक सरफेस डिप्राइविंग द सबमर्ज प्लांट्स ऑफ सनलाइट, एज अ रिजल्ट दे डाई। द रेड प्लांट्स बॉडीज आर डिकम्पोज बाय बैक्टीरिया यूटिलाइजिंग द ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द वाटर डिप्राइविंग लैक ऑफ ऑक्सीजन, तो से ऑक्सीजन की कमी हो गई। फिश स्नेल एंड इंसेक्ट्स लार्वा डाई एंड देयर डिकेइंग बॉडीज फ्यूल
मोर बैक्टीरियल ग्रोथ फर्दर डिप्लेटिंग द ऑक्सीजन। तो उसमें भी जाहिर है प्लांट्स ख़त्म होते हैं, जब प्लांट्स की डेथ होती है तो फिर उन एनिमल्स की भी डेथ होना शुरू हो जाती है जो उन प्लांट्स पर रिलाई कर रहे हैं, फिशेस की, स्नेल की, तो उस तरह से वो मरना शुरू हो जाती हैं, उनकी बॉडी में की जो डिकेइंग प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है, उससे मज़ीद बैक्टीरिया जो हैं वो सामने आते हैं और ऑक्सीजन की मज़ीद कमी हो जाती है। इवन विदाउट ऑक्सीजन सर्टन बैक्टीरिया दैट प्रोड्यूस फाउल स्मेलिंग गैसेस थ्राइव, मोस्ट ऑफ द ट्रॉफिक लेवल इंक्लूड द फिश आर एलिमिनेटेड एट द बैक्टीरिया एंड एट द बैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्जी डोमिनेट द कम्युनिटी। तो आमतौर पर वो कहते हैं एक्वाटिक इकोसिस्टम को अगर हम देखें तो उसमें हमारे पास जो फिशेज़ हैं वो लो लेवल पर आती होती हैं और बैक्टीरिया जो है वो ज़्यादा हाई लेवल पर आते हैं क्योंकि इनकी अमाउंट भी ज़्यादा है, इनका प्रोसेस भी तेज है। अच्छा, नेक्स्ट इज़ एसिडिफिकेशन ऑफ लेक। तो लेक्स की जो एसिडिफिकेशन है उसकी बेसिक वजह क्या है? अनदर वेरी सीरियस कॉज इज़ द एसिड प्रोड्यूस्ड बाय द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स इफ पोजेस अ डिफरेंट थ्रेट टू फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। फ्यू ऑर्गेनिज्म कैन वी स्टैंड द लो पीएच ऑफ एसिडिफाइड लेक। तो उसे एसिडिक रेन्स होती हैं, अब वो हर जगह पे गिरती हैं तो ज़ाहिर है लेक्स वगैरह में भी गिरेंगी, तो वहाँ पे जो पीएच है वो लो हो जाती है, उनकी पीएच लो होने से उसके अंदर जो बहुत सारे एनिमल्स हैं उनकी डेथ होना शुरू हो जाती है। तो इस तरह से एक्वाटिक इकोसिस्टम जो है वो हमारी एक्टिविटीज से मुतासिर हो। तो कल इंशाल्लाह हम टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम को पढ़ेंगे और इसके कॉजेज और इसके जो है वो कॉमन फीचर्स को डिस्कस करेंगे। यहाँ तक अगर कोई प्रॉब्लम है तो बच्चे आप उसे व्हाट्सएप ग्रुप में डिस्कस करें और आप डिस्कस किया करें ताकि जो भी मसला हो यहीं पर सॉर्ट आउट होता जाए। ठीक है जी, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।